वहीं सरगुजा पुलिस को धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के खदान के लिए अधिग्राहित जमीन के एवज में लगभग पौने 2 करोड़ रुपए का मुआवजा फर्जी तरीके से गैर भू स्वामी द्वारा आहरित करने की कोशिश का मामला सामने आया है। एसपी ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए गांधीनगर पुलिस को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने संदेही अरविंद बैग को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की तो फर्जी बाड़े का मामला उजागर हुआ। अलग से दिमाग में आइडिया आया कि मैं ये करूं। बैंक में जब गया था तब वहां से मेरे को पकड़ लिया गया बैंक से। एसीएल के मुआवजे की राशि मिलनी थी उनको 1,80,00,000, तो उनको ये लालच आ गई। इसमें जो है धारा 420, 467, 468, 471 के तहत कार्रवाई की गई।